तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं रायरामपुर महोत्सव देखने, और ये एंट्री पॉइंट है। हम लोग पहुंच चुके हैं, तो बावन घाटी महोत्सव में क्या क्या दुकान सब आया है देखने के लिए ब्लॉग में बने रहिए। तो गाइस देख सकते हो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रायरामपुर महोत्सव में, और यहां पे काफी भीड़ है। देख सकते हैं पीछे भी पब्लिक है, और ये बहुत नया नया बना हुआ है, तो देखते हैं। काफ़ी भीड़ है यार, मैं दो दिन आया था, पहले ही बार आया था, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गई क्योंकि आज थोड़ा काम था। और देख ही सकते हो काफ़ी भीड़ है, नज़ारा बहुत खूबसूरत है यार, लेकिन अंदर का नज़ारा आपको दिखाएंगे बहुत ही मस्त मस्त। तो वीडियो थोड़ा बना लिए हैं, और आज तो स्टेज का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं देख पाए क्योंकि लेट हो गया थोड़ा। तो दो दिन में जितना भी स्टेज परफॉर्मेंस हुआ है ना, तो बना लिए हैं मस्त मस्त, तो यूट्यूब में सब अपलोड कर देंगे, तो फिर देखते रहिएगा। और कमेंट नहीं करते हैं यार, आप लोग कमेंट थोड़ा कर दीजिएगा, तो देखते हैं कोई अगर मंजूरी करेगा तो थोड़ा बहुत पूछेंगे कि कैसा लगा। और वीडियो में बने रहिए, तो फिर देखते रहिए रिमिल प्रोडक्शन। तो गाइस देख सकते हो ये खूबसूरत नज़ारा जो कि बहुत ही अच्छा सजा दिए हैं, और मस्त मस्त लाइट भी लगा दिए हैं। तो कैसा लग रहा है गाइस वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे तो बहुत ही मस्त लग रहा है। तो गाइस देख सकते हो मिल गया है भाई लेमन वाला चाय, तो पी के देखते हैं कैसे लगता है टेस्ट। तो गाइस यहाँ तो बहुत सारा दुकान है और स्टॉल है, तो वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, तो गाइस थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं।
यहाँ हम लोग को मिल चुके हैं ये घनश्याम मिश्रा एंड सन्स प्राइवेट गोरमेशन आयरन और ब्लॉक का है ये स्टॉल खुला हुआ है। तो इनको हिंदी में अच्छे से नहीं आता तो इनको उड़िया में कुछ पूछेंगे सवाल और ये बताएंगे। तो पूछना शुरू करते हैं। अपन को ना कौन धरणीधर गिरी अपन को कहाँ गोरमेशनी एटा प्रोजेक्ट का कौन प्रोजेक्ट का एटा जो माइंस का माने आयरन माइंस तो एटा घनश्याम मिश्रा एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड गोरमेशनी माइंस। तो ए पत्थर विषय रे अपन कोन कहिबा को चाहिबे एटा होची आयरन पत्थर एटा होची हाई ग्रेड जेटा होची ईसीएल हाई ग्रेड मराटा पका पके 70% माल होची एटा होची एटा रेडी लो ग्रेड माकड़ा जेटा पत्थर होची एटा पका पके 52-53% आसो तापरे एटा होची सेटा बीएम को माल एटा पकापकी 60% मान अछि आयरन भाग ताले गुडा सब गवर्नमेंट संग रो सेई कोल माइंस जा कोनती ना सेई गुडा रो गोटे गोटे पद्धति गुडा तो दर्शकों को अपन माने कोन कहबा को चाहिबे ओ ये माइंस संबंध रे हमें कहउ छी जे आयरन गवर्नमेंटसाणी माइंस रे ए परसेंट अछि आ तापर एटा होछि खणी रो तार इयाटा चित्र ए टाइप रो खणी खुडा हुए माल एई टाइप रो बारे आउ आज तो लास्ट महोत्सव ता आउ दुई दिन तो पारी होला तो आपन को ए महोत्सव ता केमति लागला बहुत बढ़िया आज तो बहुत भीड़ भी हेतिले सबटो पदे आज सबटो बेसी भीड़ होई छंती तो बहुत भलो महोत्सव बहुत भलो लागला एमति प्रत्येक वर्ष हेउ माने को जहाँ पचारू से ठीक ठाक कह देती तो वीडियो टी को ये समाप्त करें कहते धन्यवाद धन्यवाद नमस्ते। देख सकते हो काफ़ी भीड़ है और पब्लिक फुल ऑन रॉक है बहुत ही भीड़ है गाइस। तो आप चाहे तो वीडियो को 2x करके देख लेना या फिर स्किप कर देना क्योंकि थोड़ा बहुत लंबा तो होगा ही। तो जो पार्ट आपको अच्छे लगे वही पार्ट देखना किसी को मजबूरी नहीं है कि देखना है तो देखना ज़रूरी है तो देखते रहिए। आपको पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिए। तो देख सकते हो ये जो बावनगढ़ी महोत्सव आया है ना वहाँ का सबसे अच्छा पार्ट मुझे यही लगा। ये जो पार्ट है ना ये क्या बोलते हैं इसको साइंस एग्जीबिशन टाइप का बोलते हैं जो कि प्रोजेक्ट है बहुत ही मस्त है और यही चीज़ मेरे को इस महोत्सव में सबसे ज़्यादा अच्छा लगा।
देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं महोत्सव में हैं, और ये हैं हुरुदा भैया जो कि अभी कहाँ रहते हैं, कन्याश्रम के अंदर रहते हैं रायरामपुर में ही। और अभी इनका वक्त हो गया है, कितना वक्त हो गया है, करीब करीब 9:20 हो गया है और इन लोग लौटने वाले हैं। और ये रहा सरोज, बचपन का दोस्त मेरे भूल, और ये भी आए हैं हुरुदा भैया के साथ ही आए हैं। और तो फिर इनका वक्त अभी खत्म हो जाएगा तो चले जाएंगे। और क्या तो क्या कुछ बोलना चाहोगे, बस बाय बाय, कुछ कुछ बोलना चाहोगे तो बोल दो, बाय बाय, आई लव यू बोल दो, ये नहीं बोलेंगे। यू वेर चालाक ब्रो, मोर चालाक, चालाक ब्रो चालाक। अरे कुछ भी नहीं, तो वीडियो में बने रहे, देखते हैं। अभी तो प्रोग्राम बहुत चालू है और यहाँ पे देख सकते हैं राम राय भैया भी हैं जो कि फोन में शायद बिजी हैं। तो देखते हैं क्या ही बताएं भाई, ये महोत्सव तो महोत्सव जैसा भी नहीं लग रहा है, क्योंकि गजब बेइज्जती है, क्योंकि स्टॉल ज्यादा अच्छा नहीं आया है। तो देख सकते हैं पीछे पीछे स्टेज है, अरे ये क्या क्या, अरे बहुत ही व्हाइट लाइट बहुत ही कैप्चर हो रहा है तो अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत पूछने की कोशिश कर रहे थे लेकिन लड़कियां तो कोई रेस्पॉन्स नहीं दिए, थोड़ा बहुत देखते हैं वरना थोड़ा बहुत बना लेंगे उनसे पूछ के। तो ठीक है, बने रहिए ब्लॉग में भाई लोग। We'll be right back.
ठीक गया तबे बेस के बुझे ना बाचे आर दोकान को कटी बेस तरह माने आर किछु बेस तरह हे ताहे को खान ठीक तरह बुझे का चदा कि नोमा खाली रायरामपुर एरिया रे आगे हेज अकना बाचे जस्ती मा तबे मा तबे नुकु बयहलिन कुली केत कोआ तो बेस के को ले किया तबे खान नितो मा प्रोग्राम चावा ठीक ना पूरा मुचत लेले सेटरा कना तबे तेहेगा वीडियो दो नडे गबन चावा तो दसार हिलो आर हो जहाँ प्रोग्राम करे ना न्यापा हुई आ तबे माँ तबे जोहार गे। तो गाइस देख सकते हो फाइनली पहुँच चुके हैं घर में। तो आप लोग वीडियो तो देख ही लिए होंगे, तो कैसा लगा वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट करने की कोशिश किए थे, लड़कियों से थोड़ा बहुत पूछने की कोशिश किए थे, पर हम लोगों ने प्लानिंग नहीं किया था। तो पहले सोचे कि थोड़ा बहुत परमिशन ले लेते हैं, कोई तैयार होंगे तो कुछ बोलने के लिए तो उनसे कुछ पूछेंगे। तो काफ़ी लड़कों से पूछे लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुए, एट लास्ट लड़कों से पूछना पड़ा। और आपको तो पता ही है लड़कों लोग कभी पीछे नहीं होते। और ओडिशा के लड़कियों को पूछना और उनका उनको वीडियो मिलाना बहुत ही मुश्किल है यार, इसलिए चुपके से कोई कोई वीडियो बना लेते हैं और अपलोड कर देते हैं। लेकिन हम लोगों ने पहले फैसला किया कि पहले पूछ लेते हैं। तो ऐसे आज का ब्लॉग तो देख लिए होंगे, तो ख़त्म हो गया होगा। फिर मिलेंगे किसी नए ब्लॉग में नए जगह पर। तब तक के लिए बाय बाय।